पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक हार के बाद सबको उम्मीद थी कि दूसरे टेस्ट में भारत शानदार प्रदर्शन करेगा, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत की पूरी टीम मात्र 189 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने 8 विकेट झटके, जबकि भारत की ओर से केएल राहुल ने 90 रन बनाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम में वापसी करने वाले अभिनव मुकुंद खाता भी नहीं खोल पाए और मिचेल स्टार्क की फुल टॉस गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौटे। भारत को पहला झटका 11 के स्कोर पर लगा। केएल राहुल जब 30 रनों पर थे, तब स्टीव ओकेवी की गेंद पर पीटर हैंस्कॉम्ब ने उनका कैच छोड़ा। राहुल के साथ मिलकर चेतेश्वर पुजारा पारी को संभालते नजर आ रहे थे कि सत्र के अंतिम ओवर में लियोन की गेंद पर वो कैच थमा बैठे। भारत को करारा झटका तब लगा जब 12 रन पर खेल रहे विराट कोहली ने लियोन की गेंद को समझने में गलती की और उसे छोड़ने के चक्कर में LBW हो गए। चौथा झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में लगा। बड़ा शॉट खेलने की फिराक में वो लियोन की गेंद को पढ़ने में पूरी तरह से विफल रहे और 17 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। इसके बाद भारत के विकेट गिरते चले गए और पूरी टीम मात्र 189 के स्कोर पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहला टेस्ट 333 रनों से हराया था। अब अगर इंडिया को दूसरा टेस्ट बचाना है तो उसे पहली पारी में अच्छी बॉलिंग के साथ दूसरी पारी में अच्छी बैटिंग भी करनी होगी। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।